बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ, और आज हम जो सबक करने लगे हैं उसका सफा स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। ये टीचर्स, जैसा कि आप जानती हैं कि हर सफे के साथ रिलेटेड जो एक्टिविटीज और मटेरियल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल होता है। आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है, डाउनलोड करना है और अपने पास किसी डिजिटल फॉर्म में सेव कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है स्कूल की लैब का, तो आप उस पर अपना एक फोल्डर बना लें जिसमें आप आने वाली हर नोटिफिकेशन के डेटा को डाउनलोड करके रख लें। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो प्रिंट कर लीजिए, और अगर नहीं रिक्वायर्ड तो अपनी डायरी के ऊपर आप मेन पॉइंट्स लिख के उस लेसन को कंटिन्यू कर सकती हैं। लेकिन इस लेसन की तरमीम करना, इसमें कोई एक्टिविटी को ऐड करना या कम करना आपका डिसीजन होगा तब जब आप बच्चों की परफॉर्मेंस को डेली जो है मॉनिटर कर रही होंगी कि क्या बच्चों ने इस तरह हमसे अच्छी तरह से इस एक्टिविटी से सीखा, या इस एक्टिविटी का मटेरियल चेंज करने की जरूरत है या आइडिया चेंज करने की जरूरत है। और आइडियाज के लिए तो पूरी दुनिया आपके सामने मौजूद है। एक आइडिया अगर आप गूगल पे लिखते हैं तो आपके पास सैकड़ों ऑप्शंस और सैकड़ों क्रिएटिव लोगों की जो सोचें हैं वो आ जाती हैं। आप कोशिश करें कि उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूट करें और अपना आइडिया भी ऐड करें। तो किताब का सफर देखिए बच्चों, जो खोल लें अगर आप अपने सामने, तो आज आपके सफे पे नजर आएगी आज की आवाज, इस आवाज से बनने वाली कुछ तस्वीर, एक क्लास की सरगर्मी, एक घर का काम। जी हाँ, शाबाश, आपने पेज को मैच कर लिया, खोल लिया, वेरी गुड। सो टीचर्स, आज के लेसन के लिए बच्चों को जो स्किल्स चाहिए वो है सुनने और बोलने की। हो सकता है इनमें से कोई पहले बोलना चाहे क्योंकि उसको तस्वीर का नाम आता हो, तो इन्हीं दोनों स्किल्स को आज हम बारी बारी एड्रेस करेंगे और ये सीखेंगे कि आज के जो आवाज है उससे कौन कौन सी चीजें बनती हैं। टीचर्स, चूंकि ये प्ले ग्रुप क्लास है तो हम आवाज के साथ बनने वाली वोकैबुलरी को पिक्चर की शक्ल में बच्चों को इसलिए दिखाते हैं क्योंकि तस्वीर उनके जहन में अपने रंगों की वजह से, अपनी बनावट की वजह से जो जहन में बैठ जाती है, उस तस्वीर से हम उस आवाज की तस्वीर को कनेक्ट करते हैं। आपके लिए टीचर्स जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उस पर आपने फर्दर फॉलो करना है ताकि इस लेसन को आप बेहतर तौर पर एग्जीक्यूट कर सके, अपने बच्चों तक डिलीवर कर सके। और आज की जो हमारा हरूफ तहजी है वो दाल के खानदान का एक मेंबर है, जिसकी आज हम शक्ल भी देखेंगे, आवाज की भी मश्क करेंगे और थोड़ी थोड़ी हवा में या टेबल पे लिखने की लिखाई की मश्क भी करेंगे। सो टीचर्स, एज यू नो, हमारे हासिलात तालुम में इर्द गिर्द मौजूद अशिया के नाम बताना है और फिर किताब में दी गई तस्वीर या किसी फ्लैश कार्ड में दी गई तस्वीर को देख के उसका नाम बताना है और उसके बारे में कुछ बातचीत करनी है। स्किल्स हमारी हैं लिस्टिंग एंड स्पीकिंग की। तो प्यारे बच्चों, जरा स्क्रीन पे गौर से देखिए और ये बताएं आपको क्या नजर आ रहा है। मुझे जो नजर आ रहा है वो कुछ बोरियां हैं जिनके अंदर शायद गंदम है या चावल है या कोई दाल है। ये इस तरह जब हम किसी चीज को रखते हैं, यानी इसको जब हम अपने घर के स्टोर में रखते हैं कि यहाँ वहां जाके रख दो, जब चाहिए होगा निकालेंगे, इन खाने पीने की अशिया को या किसी भी चीज को जब हम स्टोर में इकट्ठा करके रख लेते हैं तो उर्दू में इसको कहते हैं जखीरा करना। जखीरा, जखीरा माननी आप समझ गए क्या है? जब आप किसी भी चीज को अपने स्टोर में संभाल लेते हैं कि जब चाहिए होगी निकाल लेंगे, तो इस एक्टिविटी को उर्दू में कहते हैं जखीरा करना। आप खाने पीने की चीजों को भी जखीरा कर सकते हैं, आप कपड़ों को और चीजों को भी जखीरा कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे ये खाने पीने की चीजों के साथ ज्यादा इस वर्ड को उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ड क्या है बच्चों? जखीरा, जखीरा। अगली तस्वीर आपको नजर आ रही है जो ये छोटे छोटे रेत के जर्रात हैं। जब आप कभी साहिल समुंदर पे जाएं और रेत को इकट्ठी करें और उसको धोने के बाद जब किसी उसको मैग्नीफाइंग ग्लास में आप देखते हैं या माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो ऐसी ही रंग बिरंगी होती है। ये अल्लाह ताला की शान है। इनको कहते हैं छोटे छोटे नन्ने नन्ने जर्रात, जर्रे। बिल्कुल जैसे कि अगर आप बिस्किट खाते हैं तो कुछ बिस्किट के नन्ने नन्ने जर्रे आपके कपड़ों पे या आपकी प्लेट में नीचे गिर जाते हैं, उनको कहते हैं जर्रात या जर्रा। एक छोटे को कहते हैं जर्रा। तो यह है जखीरा, जर्रात या जर्रा। जब हम एक की बात करें ज्यादा हो तो उनको जर्रात कहते हैं। तो ये जो दोनों तस्वीर आपके सामने मैं शेयर कर रही हूं, ये फ्लैश कार्ड, ये जिस आवाज के हैं वो है
और ज की शक्ल आपने अपनी किताब के सफे पे जरा गौर से देखी कैसी है, दाल के जैसी ही है और उसके ऊपर है एक नुक्ता। शाबाश। आपको पता है उर्दू में हरूफ तहजी जब नुक्ता आता है तो जादुई तौर पे अपनी आवाज बदल लेते हैं, तो दाल को जब हमने टोपी पहनाई नुक्ते की तो वो जाल बन गया और उसकी आवाज बन गई ज की। तो अभी कुछ तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पे हैं और देख के बताइए कि क्या आपको इस तस्वीर इन तस्वीर के नामों में ये ज की आवाज आती है। जैसे कि ये है ड्रम, ड्रम, दरख्त, जरदा, जखीरा। हाँ जी, जरदा के फ्लैश कार्ड में जो आपको तस्वीर नजर आई है वो जो मीठे मीठे चावल आपकी मामा बनाती है ना, इनको जरदा कहते हैं। और ये है जखीरा। तो जरदा और जखीरा की शुरू की आवाज ज की है, लेकिन ड्रम और दरख्त की आवाज तो मुख्तलिफ है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो टीचर्स अभी आपने बच्चों को एक्टिविटी ये करवानी है कि डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स देने हैं, लेकिन चूंकि ज की आवाज से बहुत कम वोकैबुलरी इस स्टेज पे ऐसी है जिसको हम पिक्टोरियल दिखा सकते हैं, इसलिए जखीरा और जरात का कॉन्सेप्ट इनको हम दे रहे हैं। अभी आपने इनके साथ ड्रिल करनी है कि आप इनको जाल की लिखाई के लिए मुख्तलिफ मीडियम दे। आज आप पेंसिल नहीं दे रहे, लेकिन आप बोर्ड मार्कर दे सकती हैं, चौक, क्रेयॉन या प्लेडो या सैंड ट्रे दे सकती हैं, क्योंकि ये प्ले ग्रुप है, इनको ये एक्टिविटीज चाहिए। तो आज इस हरूफ तहजी की जो शक्ल है ये दाल की तरह शक्ल के ऊपर नुक्ता लगाएंगे, ये प्रैक्टिस आप इनको करवानी है। और यही प्रैक्टिस और ड्रिल के लिए घर के लिए जो वर्कशीट दी गई है ये घर पे भी जाके जो है सबक को दोहरा लें जो किताब में दिया गया है, और वर्कशीट जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकती हैं या इनको आप पेज के ऊपर ड्रॉ करके दे सकती हैं, जो आपको फैसिलिटी लगती है आप उसको कंटिन्यू करें। तो अभी जो क्लास की सरगर्मी है टीचर, जो आप इनसे ग्रुप में करवाएंगी, आपको पता है कि जब हम बच्चों को ग्रुप में करवाते हैं तो कोई ऐसा बच्चा जो लर्निंग के दौरान थोड़ा सा शाई हो, रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, तो ग्रुप एक्टिविटी में वो जरा खुशी खुशी सीखता है और कंफर्टेबल होकर अपने दोस्तों से पूछता है कि मैंने क्या करना है और कैसे करना है। तो यहाँ पे इस चीज का हम बेनिफिट लेते हैं कि बच्चे एक दूसरे से पीयर लर्निंग के थ्रू करते हैं, ताकि जब ये आज घर जाएं तो आज की जो हरूफ तहजी की शक्ल है, जो इसका फर्क है, जो इसकी आवाज है और इस आवाज से बनने वाले जो कुछ अल्फाज जो इन्होंने सीखे हैं वो इनको अच्छी तरह से आ जाए। सो टीचर्स कंटिन्यू करें लेसन को, बच्चों को ड्रिल करवाएं, आज के जो हरूफ तहजी उसकी प्रैक्टिस करवाएं। कल मैं देखूंगी कि किस किस बच्चे को आज की आवाज की पहचान याद है। कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।